हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं मेरा अपडेटेड मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। बहुत टाइम से मैंने एक ऐसा रूटीन नहीं किया जहाँ पे आई शो यू व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ, सो दैट आई एम गोना शो यू इन टुडेज वीडियो। इफ यू गाइस कैन सी, माय स्किन हैज बिकम वेरी वेरी क्लियर एंड इट्स ग्लॉसी, इट्स गुड। आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स रिसेंटली फ्रॉम माय फ्रेंड्स दैट योर स्किन इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। सो आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि मैं अभी क्या यूज कर रही हूँ। दीज आर सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लाइक यू मस्ट नॉट हैव सीन मी यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स लाइक ऑन माई चैनल इससे पहले। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। यू विल गेट अ मिनी रिव्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आई यूज एंड एवरीथिंग इज अफोर्डेबल। सो या, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल वाला आइकन, बेल आइकन जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। इट वुड मीन एन एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। 100 के मतलब हिट करने के लिए मैं ऑलमोस्ट 5 साल से वेट कर रही हूँ। सो प्लीज गाइज, इस साल मेरा ये ड्रीम आप ही पूरा कर सकते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्किन केयर रूटीन का जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज फेस वॉश। सो अभी जो फेस वॉश आई एम यूजिंग राइट एट दिस मोमेंट इज द वाओ उपटन फेस वॉश। नाउ ये जो फेस वॉश है गाइस, माय हस्बैंड लाइक्स इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे भी पसंद है बट अभी काफी टाइम्स मैं इसको यूज नहीं कर रही थी, बट देन आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इट वन फाइन डे, वॉज केप्ट इन माई वॉशरूम एंड आई वॉज लाइक लेट्स स्टार्ट इट, एंड उसके बाद से काफी अच्छा लग रहा है मुझे। नाउ दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल फेस वॉश एंड इट्स अ वेरी वेरी माइल्ड येट वेरी नाइस फेस वॉश। ये मेरे फेस का जो नेचुरल ऑयल है इसको बिल्कुल भी स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। सो यू जस्ट जेंटली नीड टू मसाज इट ऑल ओवर योर फेस विद वाटर एंड देन वॉश इट ऑफ। आई जनरली प्रैक्टिस द रूल ऑफ 60-second क्लेंजिंग। सो मैं 60 second तक इसको अच्छे से वॉश करूंगी एंड देन मसाज करूंगी एंड देन आई वॉश ऑफ माई फेस। नाउ ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। माई हॉल स्टोर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल सी ऑल द प्रोडक्ट्स टुगेदर इन वन प्लेस। सो आई एम क्विकली गोना गो एंड आई एम गोना वॉश माई फेस एंड कम बैक। सो गाइज, स्किन केयर का जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज स्क्रबिंग, बट मैं स्क्रब नहीं करती अपने फेस को। आई यूज अ केमिकल एक्सफोलिएटर। राइट नाउ आई एम यूजिंग द प्लम ग्रीन टी केमिकल एक्सफोलिएटर। सिंस आई यूज इट वंस अ वीक, इसमें 10% AHA है, 5% PHA है, 0.5% BHA है। सो आई एम नॉट गोना यूज इट टुडे बिकॉज आई जस्ट यूज इट आई थिंक 2-3 days बैक। नाउ आई हैव अ कम्प्लीट डेडिकेटेड वीडियो ऑन माई चैनल नेम्ड एज हाउ टू यूज अ केमिकल एक्सफोलिएटर, हाउ टू केमिकली एक्सफोलिएट अ स्किन। तो ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरे स्किन केयर प्लेलिस्ट पे जाके, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको इसको कैसे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट अप व्हाट आई एम यूजिंग इज अ टोनर। तो टोनर आप ले सकते हैं कोई सा भी, बट मेरे स्किन के साथ आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग द प्लम ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर। सो प्लम का जो ये ग्रीन टी टोनर है इट्स वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन। नाउ आई डोंट हैव एक्नी प्रोन स्किन बट आई हैव ऑयली स्किन थ्रू आउट द ईयर एंड विंटर्स में मेरी स्किन इज नॉट ऑयली। आई जस्ट टेक अ फ्यू ड्रॉप्स एंड आई जस्ट जेंटली पैट इट ऑन माई स्किन। आई डोंट यूज एनी कॉटन पैड्स और एनीथिंग लाइक दैट। मैं इसको ऐसे ही पैट करूंगी, मेरी स्किन इसको फटाफट से अब्सॉर्ब कर लेगी। नाउ आई हैव यूज दिस टोनर इन द पास्ट एज वेल। मैं 1.5 साल पहले इसको बहुत यूज करती थी। आई फिनिश्ड अ बॉटल एंड देन आई गॉट अ फ्रेश बॉटल। आई वांटेड टू अगेन स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी वेरी माइल्ड येट अ वेरी गुड टोनर गाइज। इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर पोर्स, इफ यू वांट क्लीन पोर्स, इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर एक्ने। ऑल्सो प्लम प्रोडक्ट्स डोंट हैव एनी पैराबेंस और एनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक दैट। दे आर ऑल्सो वीगन एंड पीटा सर्टिफाइड आई गेस, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द माइल्डेस्ट टोनर आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस फॉर यू। नेक्स्ट अप गाइज कम्स सेरम। तो सुबह अलग सीरम और रात को अलग सीरम यूज करती हूँ। अभी जो सुबह मैं यूज कर रही हूँ वो है डीकंस्ट्रक्ट का वाइटामिन सी एंड फेरियोलिक एसिड सीरम। नाउ मेरे लास्ट अमेजोन हॉल में मैंने ये प्रोडक्ट दिखाया था कि ये मैं प्रिय प्रोडक्ट मैंने खरीदा है एंड ये जो सीरम है गाइज अभी मैंने इसको लगभग 10 दिन हो गया यूज करते हुए एंड आई एम रियली लाइकिंग द इफेक्ट ऑफ दिस सीरम ऑन माई स्किन। इस प्रोडक्ट को मैं आपको लगा के दिखाने वाली हूँ। देर इज समथिंग वाइट वाइट थोड़ा छोटा 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 इन साइड। आई डोंट नो वट इज दैट, वेदर इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ द सीरम। आई जस्ट गो एंड चेक वंस, बट द सीरम इज बीन वर्किंग गुड फॉर माई स्किन। नो वाइटामिन सी आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स को एंड इवन स्किन टोन को, सन से जो आपकी स्किन को टैनिंग हो जाती है उसमें, इट रियली हेल्प्स इन इवनिंग आउट योर स्किन टोन। नो वाइटामिन सी जो आपकी स्किन ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करती है। फेरुलिक एसिड जो है वो सन डैमेज को सप्रेस करने में आपकी स्किन में हेल्प करती है। नो आई जस्ट अप्लाई द सेरम ऑन माई फेस एंड आई जस्ट जेंटली मसाज। विद इन फ्यू सेकेंड्स इट गेट्स कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन माई स्किन। ये जो सेरम है गाइज इसका प्राइस है
कुछ 600-700 के आसपास था. आई थिंक इट्स अ नाइस सीरम, आई एम लविंग इट राइट नाउ. बट जो भी बोलो, मेरा फेवरेट विटामिन सी सीरम हैज टू बी द प्लम वन. आई रियली लव दैट, बट दिस इज द वन आफ्टर दैट आई एम रियली लाइकिंग इट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज अ मॉइस्चराइजर. सो माई स्किन टाइप इज अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप थ्रूआउट द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर्स माई स्किन बिकम्स वेरी वेरी ड्राई. सो मैं अभी अपनी स्किन के हिसाब से जो मॉइस्चराइजर्स यूज कर रही हूँ, दो मॉइस्चराइजर्स है, किसी को मैं दिन में यूज कर लेती हूँ, किसी को मैं रात में, बट आई एम शोइंग बोथ ऑफ देम टू यू इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट एनी ऑफ देम. नो इफ यू हैव ड्राई स्किन, इफ यू हैव वेरी वेरी ड्राई स्किन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मॉइस्चराइजर अंडर अ बजट, दिस वन इज अमेजिंग. आई नेवर थॉट दैट बायोडर्मा का कोई इतना प्रोडक्ट जो है यू नो अफोर्डेबल रेंज में भी आ सकता है. नो दिस इज द बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, डर्मा को सेरामाइड कॉम्प्लेक्स फेस क्रीम. शुरुआत करें बायोडर्मा के बारे में बात करने से, सो आई गॉट इट आई थिंक लास्ट मंथ एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट. नो ये 599 का है, बट इट इज 200 ml ऑफ मॉइस्चराइजर. आई थिंक इतना सस्ता तो कोई मॉइस्चराइजर मैंने देखा ही नहीं ऑलमोस्ट. इंडियन ब्रांड्स में भी लाइक 30-40 ml का 200-300-400 होता है, बट इट्स 200 ml. एंड ये जो है इतना अच्छा है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन. आई के नॉट टेल यू गाइज, इट्स गुड फॉर नॉर्मल सेंसिटिव स्किन, ड्राई सेंसिटिव स्किन. इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन इन जनरल, इट्स वेरी वेरी nice. Now the moisturizer looks like this, theek hai, and it just does the job of moisturizing really really well. इट्स अ हाईली मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा. इसको लगाने के बाद बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी नोज के अराउंड ड्राई स्किन हो रही है, माउथ के अराउंड ड्राई स्किन हो रही है, फ्लेकी स्किन हो रही है. वो बिल्कुल भी नहीं होगी. यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड देन रात तक छोड़ दो. अगर रात में आपको ड्राइनेस फील हो, देन यू कैन अप्लाई इट अगेन. नाउ आई थिंक फॉर द प्राइस इज अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर. बायोडर्मा इज नोन टू मेक गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड ये वाला तो मुझे अफोर्डेबल भी है, साथ में बहुत अच्छा भी लगा बिकॉज प्राइस के हिसाब से जो क्वांटिटी आपको मिलती है उस हिसाब से ये बहुत अफोर्डेबल है. एंड अमेजोन पे इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है, सो यू कैन चेक इट आउट. द मॉइस्चराइजर दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट टूडे इज द 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स फेस क्रीम फॉर स्किन बैरियर बाय डर्माको. नो डर्माको का ये मॉइस्चराइजर मैं ऑलमोस्ट 1 week से यूज कर रही हूँ एंड सीका है इसमें एक्सट्रैक्ट, सेरामाइड्स है, डे प्लस नाइट. नाउ बहुत लोगों की स्किन बैरियर होती है डैमेज्ड, एक्ने हुआ किसी भी रीजन से, यू नो स्किन का जो आउटर लेयर है दैट गेट्स डैमेज्ड एंड यू नो यू आर लाइक स्ट्रगलिंग विद दैट बिकॉज उसके बाद स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, देन यू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन योर स्किन. सो इफ योर बैरियर, स्किन बैरियर इज डैमेज्ड, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस क्रीम एंड दिस क्रीम इज मिरेकुलस. लाइक आई एम प्लानिंग टू डू अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस क्रीम वेरी वेरी सून. नाउ इट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री एंड इट्स अ हाईली मॉइस्चराइजिंग क्रीम गाइस. सीका सेरामाइड्स, दे आर नोन टू वर्क वेरी गुड एज बैरियर प्रोटेक्ट, बैरियर रिलीफ प्रोडक्ट्स. सो अभी जो है इट्स अ लाइट टेक्सचर मॉइस्चराइजर, मैं इसको अपने फेस में अप्लाई करूंगी एज यू गाइज कैन सी. अगर आपको भी एक्ने होके ठीक हुआ है या आपकी स्किन टर्निंग हुई थी और आपकी स्किन बहुत डैमेज हो गई है, जो आउटर स्किन का जो लेयर है दैट ओवरऑल लुक्स डैमेज्ड एंड अनहेल्दी, यू कैन गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर गाइज. इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, इट इज मेड टू यू नो हेल्प योर स्किन बैरियर. सो आप इसको जरूर ट्राई करके देखना, यू विल लाइक इट. आई हैव पुट डाउन द लिंक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड माई स्किन लुक्स सो डैम गुड. Trust me, when you do this together, like 2-3 minutes लगने वाला है hardly. Right now I'm talking to you guys, explaining everything is the reason it's taking so much time, but you can see my skin is literally glowing right now. Last की जो step है बहुत जरूरी है because इन द नाइट टाइम स्किन केयर आई यूज रेटिनॉल एंड इन जनरल आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है. द सनस्क्रीन आई रियली लाइक एंड विच गोज वेल फॉर माई स्किन इज द गुड वाइब्स जेल क्रीम सनस्क्रीन. नाउ ये SPF 50 है, PA 3+ है एंड आई अप्लाई इट और आई यूज द मिनिमलिस्ट वन. डिपेंड्स ऑन माई मूड, जो हाथ में आया है आई पिक इट अप एंड यूज इट आउट. मैं मिनिमलिस्ट वाले का भी लिंक नीचे डाल दूंगी. इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सनस्क्रीन एंड इवन दिस वन इज अ नाइस वन. सो अभी हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं फटाफट, चाहे भाई आप बाहर जा रहे हो चाहे घर में. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अप्लाई सनस्क्रीन. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको देख सकते हो, डज नॉट लीव एनी व्हाइट कास्ट एंड यू कैन सी एग्जैक्टली हाउ ब्यूटिफुल माई स्किन लुक्स. द लास्ट स्टेप इज अप्लाइंग अ लिप बाम एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग द प्लम कैंडी मेल्स लिप बाम. मोस्टली जितने स्किन केयर प्रोडक्ट्स है गाइस, ये मैंने लास्ट कुछ दिनों में यूज करना स्टार्ट किया है. दीज आर ऑल न्यू इन माई वैनिटी, आई हैव रिसेंटली गॉट देम एंड लाइक I'm loving them except the lip balm. I've been using it for like more than a year now.
इट्स अ परफेक्ट ड्यूप फॉर द लनेज लिप बाम. आई हैव लनेज का 5-6 टब्स इन डिफरेंट वेरियंट्स, स्टिल आई लव इट. This plum one is affordable yet very nice. So that is all about today's video, guys. If you like it, give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Like करोगे तो मुझे पता चला आपको ये video अच्छी लगी. और मैं इसका part 2 जो night time skincare routine है जल्दी से आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगी. Comment करके मुझे जरूर बताना कि what are your plans regarding your skin this year. If you have started using any new skincare product, उसका name भी मुझे नीचे जरूर बताना. I love to try it. And do subscribe to my channel, guys. I shall see you in the next video. Till then, take care. Bye. Lots of love, hugs and kisses. Stay home, stay healthy, stay safe. I love you all so much. Bye-bye.